मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। दो दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। पाकिस्तान हमारा देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर वो एक शहर गिरा देगा, नहीं बिगड़ता, उसके पास रह खत्म हो जाएगा। असली खतरा में लगातार 1400 साल साहब के सामने बोल रहे कि चीन घात लगाए बैठा है हिंदुस्तान में। चीन धोखेबाज देश है, अगर चीन कमजोर होगा तो चुप बैठेगा और मजबूत होगा तो आपके सामने आ जाएगा। और चीन ही दुश्मन बनता है हिंदुस्तान को, नोट कर लो, मेरी बात सच है। मैं भी रक्षा मंत्री रहा हूं, मैंने चीन के बारे में किया है, उसने फौज भेज दी 1 किलोमीटर अंदर, मैंने 4 किलोमीटर अंदर भेज दी, वो हटा ले गया तो वो भी हटा ले। हमारी फौज कमजोर नहीं है, दुनिया में सबसे बहादुर फौज अगर है तो हिंदुस्तान की है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए चीन से सावधान हो जाइए, पूरे सदन को कहता हूं इस मुद्दे पर चीन से। चीन नहीं मानेगा, चीन हिंदुस्तान पर किसी न किसी से समस्या पैदा करेगा। अब उसने गठजोड़ किया है पाकिस्तान से और आपको करना चाहिए था पाकिस्तान पाकिस्तान तक कह दे भाई मेरी तरह से तुम छोटे भाई मैं बड़ा भाई, आपको हम प्यार करेंगे, तुम आप इज्जत दो। आप पाकिस्तान से संबंध रखिए, चीन से संबंध रखने कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी को मैंने कुछ कहा नहीं, कभी उनसे हाथ मिलाने नहीं जाना चाहिए, तभी धोखा देता है। यहाँ आए चाउमीन लाई, याद होगा अध्यक्ष महोदय, चाउमीन लाई का स्वागत जितना नेहरू जी ने कराया, दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का इतना स्वागत नहीं हुआ जितना चाउमीन लाई का हुआ। और चाउमीन लाई ने वास्तव जाके हमला कर दिया,